से अभी हम लोग ये सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे खाने का तमाम है जो कि दोपहर का टाइम है। जो कैटर फूड यहाँ पे जो पहले जितना भी स्टाफ आया है और लोग आए हैं जो जितने भी गेस्ट हैं, तो अभी यहाँ पे एक अरेंजमेंट हुई हुई है तो अभी यहाँ पे खाना होगा और उसके बाद जो है हम एक्टिविटी दरिया पे जाके यहाँ के पुल पर जाएंगे। खाना लग चुके हैं, नान शर्मा और ये सलेट भी है। अब लोग एकदम उठे हैं, खाने की तरफ दौड़े हैं और देखते हैं कि क्या होता है, कितनी जल्दी चीज़ें और लोग कैसे। उधर भी गेमा गेमी चल रही है और इधर भी चल रही है। अब हम जो है अटक ब्रिज पे आ गए जहाँ से दो दरिया मिलते हैं, दरियाए सिंध और दरियाए काबुल। ये मेरे आप राइट और लेफ्ट पे देख सकते हैं, ये दो दरियाओं का मिलाप है और मैं जो है इस पे चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि खैर खरीत से चल सकूँ। बहुत अच्छी जगह है, इधर विज़िट करना चाहिए। सफारी टूरिस्ट ट्रेन आती है और इन्जॉय करता है इंसान। सो काशिफ गिलानी भाई एक दफ़ा फिर हमारे साथ। काशिफ भाई अभी आप खड़े हुए हैं अटक ब्रिज पे, बिल्कुल जनाब। तो थोड़ी सी ज़रा हमें इधर की हिस्ट्री बताएं, दरिया के बारे में बताएं, टनल्स के बारे में बताएं और जो जो बता सकते हैं हमें इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स को दे सकते हैं प्लीज़। जैसा कि आप देखते हैं सफारी स्टेशन का आखिरी स्टेशन है अटक खुर्द और बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। जैसे आपने देखा है ये ब्रिज के बिल्कुल दरिया के बिल्कुल साथ स्टेशन है। अभी स्टेशन के दूर से आप बाहर निकले हुए हैं तो इस तरफ हमारे राइट साइड पे खैराबाद स्टेशन है, लेफ्ट साइड पे अटक खुर्द है। दरमियान में टनल आती है पहाड़ों के दरमियान में से, टनल में एक से हो के और फिर ट्रेन आगे खैराबाद जाती है इस ब्रिज की दूसरी पहाड़ की दूसरी साइड। ठीक है, ये नीचे जो दरिया है ये दो दरिया एक्चुअल हैं, दरिया सिंध और दरिया काबुल, ये मिल के जा रहे हैं। बड़ा अच्छा व्यू होता है इसका। अभी इस वक्त जिसका भाव ज़्यादा होता है, मतलब जिसमें दरिया काबुल और दरिया सिंध, दरिया काबुल का पानी नीले कलर का और सिंध का जो है वो मटियाला कलर का होता है, जिसमें सिंध में ज़्यादा पानी है वो मटियाला कलर हावी है। आम दिनों में जो है वो फिर आपको अगर इस ब्रिज के ऊपर से देखें, आप ट्रेन में अक्सर जाते हैं, लोग देखते हैं, हम देखते रहते हैं, तो उसमें ब्लू और मटिश कलर इकट्ठे जा रहे थे दरिया, काफ़ी दूर तक इकट्ठे जाते हैं फिर जाके मिक्स होते हैं। तो रोड के हिसाब से इधर जो रोड होगा ना इस ब्रिज के ऊपर उसमें अब ये है कि जीटी रोड जो है उसका लेफ्ट साइड पे केपीके है और राइट साइड पे पंजाब है, वो पंजाब का बॉर्डर है। वैसे रेल के हिसाब से हमारा हसन अब्दाल जो है पिंडी डिवीजन पंजाब, यानी कि वो आखिरी हसन अब्दाल स्टेशन है, उससे आगे फिर केपीके स्टेशन वो है, शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ये बताएं दूसरा, ये फायर और ये 1608 लैंडमार्क बता रही है फायर का। देखिए ये ब्रिज के ऊपर अगर आग लग जाए तो यहाँ दो चीज़ें रखी हुई हैं उन्होंने, ये रेत है इसके अंदर रेत होती है और साथ पानी रखा है बाल्टी में ना। ठीक है, स्लीपर आपको नजर आ रहे हैं लकड़ी के, अगर खुदा खासा लग जाए तो फौरन उसको बुझाने के लिए आसानी रहती है। अच्छा। ये 1608 जो है ये लैंडमार्क है, ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है। ये अब स्टार्ट ये रेलवे लाइन जो स्टार्ट केमाड़ी से होती है, केमाड़ी जीरो है, ठीक है, कराची 5-6 किलोमीटर पे, उसके बाद वहाँ से लेके अब तक का ये 1608 किलोमीटर और आगे पेशावर ये इंक्रीज होता रहता है। और पेशावर तक कहाँ कितना किलोमीटर बन जाता है ये? जी 1700 तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि खुदा ना खास्ता इस लिक्वेशन में जिस तरह 1608 से 1609 के दरमियान अगर कोई खुदा ना खास्ता मिस है हो जाए, कोई एक्सीडेंट या कोई इंजन ख़राब हो जाए तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए अपने कंट्रोल ऑफिस को अपने ऑफिस में बताने के लिए कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, वो 1608.6 या 7 कह देगा तो एग्जैक्ट लोकेशन उनको समझ आ जाएगी। हमारी जो इंतजामिया है ना वो फिर रिलीफ अरेंजमेंट में आसानी रह जाती है। परफेक्ट, तो अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन दिया, शुक्रिया। अब मैं जो है यहाँ पे जाके थोड़ा सा दरिया भी दिखा दूँ, करें इसको कवर करें और सब लोग आपको देखें। वैसे ये प्राइवेटेड एरिया है, आम दिनों में नहीं आ सकते, लेकिन सफारी के पैसेंजर्स के लिए सहूलत है कि इसके ऊपर जाके ये फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं। जबरदस्त, क्योंकि इस वक्त कोई ट्रेन आने का चांस नहीं है, वैसे तो रेलवे लाइन के ऊपर जाना खतरा। मैं ये क्वेश्चन करने लगा था कि अगर ये लोग हैं, लाजमी है आप लोगों को के तवज्जो से बता रहा हूँ, बिल्कुल ये काफी लोग नहीं आ सकते, आप ब्रिज पे सिक्योरिटी होती है बिल्कुल, और लोग भी काफी जो है यहाँ पे चहल पहल जो हमारे साथ है ट्रेन के लिए ये सहूलत है। अच्छा, वो जो एक आती थी जिसपे हम जाते थे, क्या कहते हैं उसको, ट्रॉली? हाँ जी, मोटर ट्रॉलीज होती हैं एक, बल्कि मुझे नजर भी आ रही है अगर देखें वहाँ से आ रही है,
तो क्या अब इस पे ये अभी फिलहाल ये सहूलत नहीं क्योंकि पैसेंजर ज़्यादा हैं, तो जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें इन्होंने मोटर ट्रेल की सहूलत रखी है। तो वैसे तो बेसिकली तो ये हमारे जो ट्रैक के ऑफिसर्स होते हैं स्टाफ होते हैं उनके लिए होती है। इसमें ये है कि अगर आप ट्रैवल करें बैठ के तो बड़ा मज़ा आता है, बिल्कुल ट्रैक ग्राउंड लेवल पे आके आप, और बड़ा मज़ा आता है। अभी आपके सामने से हो सकता है पास भी हो तो आप कवर कर दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। तो ये है जी दरिया सिंध और काबुल का जो दरिया है, क्या अमेजिंग जगह है इंजॉय करने वाली। मैं आपको इसका दूसरा एंड भी दिखाता चलूं, और जो दूसरा एंड है वो ये है, इस तरफ है, ये देखिए। वाओ, बोटिंग भी होती, नीचे पहाड़ हैं, रास्ता जा रहा है। सो हियर वी गो, अब हम चलते हैं आगे वापसी की तरफ। काफ़ी थकन हो गई है और दिल कर रहा है सुकून से लेट जाओ बंदा। ये देखिए अभी ट्रॉली जो है जा रही है, ट्रॉली राइड यहाँ तक आई है ट्रॉली, और हमने थोड़ा सा पीछे लेके ट्रॉली यहाँ तक की, और प्रॉब्ली ये जाएंगे आगे तक। तो ये है जी पार्लर कार जो कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में आई है आज गोल्डरा, चीज़ स्पेशल ट्रेन है उसमें। ये देखिए अच्छा जी क्वेश्चन करें, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटी का क्या नाम है? आमना। तो आमना आज क्या करने आई थी? आज क्या करने आई थी? कहाँ सैर की आपने? तो ट्रेन आपको कैसी लगी? दोबारा होगी ट्रेन पे? चलिए बहुत अच्छी बात है जी, ट्रेन बहुत अच्छी लगी है, दोबारा भी आएंगे। मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज। थैंक यू। अल्लाह।